मैडम सर, मुझे ये बताइए कि रोमांस कर रहे हैं आप वैशाली के साथ, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, मतलब ऐसी खूबसूरत लड़की को रोमांस करते हुए सभी को अच्छा लगा। आंखों में आंखें डाल के जो आपका उस गाने को एक्चुअली कंधों में बिठा अभी मैं सुन रही थी ना, वो गाना गा के बिठा कर तो मेरे को आपको कैसा लगा? यू टेल मी, आपको कैसा लगा? आई तो वाज कंप्लीटली मेस्मराइज्ड। ऐसे ही फील आ रहा था कि यार थोड़े से जवान होते। नहीं 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 नहीं, आई वाज कंप्लीटली मेस्मराइज्ड। हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। फिर कुकी ने कहा बकवास बंद करो, तू अभी जवान है। आपको देख के ऑनेस्टली नहीं लग रहा कि आपकी पहली फिल्म है, जो तैयारी आपने की है, जिस तरह के हाव भाव आपके हैं, जिस तरह के एक्सप्रेशंस आपने दिए हैं, अमेजिंग। तो क्रेडिट गोज टू यस, ऑफ कोर्स इट गोज टू कुकी सर फॉर द फर्स्टली द कैरेक्टर इज रियली नाइस, वेरी वेल रिटन बाय हिम, एंड ही वाज वेरी क्लियर कि हाउ सांची बिहेव्स, हाउ शी इज। सो ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी कैरेक्टर फॉर एनी न्यू कमर to do something like this, yeah. but he made it easy for me, and I have spent a lot of time. मैंने script बहुत बार पढ़ी है, एक बारी नहीं इतनी बारी पढ़ी कि by the towards the end I actually knew everyone's dialogues also, because I kept reading, discovered so many things, and Cookie sir was always there. I could call him at any time, and he always had a good explanation, and the way he would explain things to me, and he told me कैसे एक सांची वन है, सांची टू, सांची थ्री, so it started to getting easier as I started discovering Sachi. Yeah. I just want to add, you know, I'm so, she's very kind that she's giving me all the credit, but it's not easy for somebody as a first time. Main, as a director, I will give them direction to an actor, right? End of the day, to actor is going to bring that character alive. Exactly. So I can give as many instructions, if that person doesn't have it in them, how am I going to, you know? So the thing is that the amount of effort that she put in fact all of them have put in for this film, it's been really, really something that something very credible that you will see on screen. You know? Apart, you want to say something? Absolutely. You want to say something about your character? As sir said, you know, Bhushan ji said that, okay, let's try a par for this. First of all, it gives me, you know, a lot of happiness that somebody like Bhushan ji, who is definitely, you know, sitting on top of the pyramid, matlab aadhi se zyada hit film wohi bana rahe hain hamare desh ki. So I mean, if a producer like that has so much of, you know, love for me, I feel very, very happy. But talking about this film, you know, ye jo dhoka ki jo script hi thi na, wo kahin na kahin sir ne ek interview mein bola tha ki yaar हर जगह वो कास्ट होना चाहिए जो ऑब्वियस चॉइस नहीं हो, यू नो, एंड गर्ल के लिए बोला था कि एक न्यू फेस चाहिए, इसीलिए वो कहीं ना कहीं फॉल इनटू प्लेस कर रही है, यू नो, कास्टिंग, एंड ऑल फॉर ऑफ अस कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वी कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट अपब्रिंगिंग, वी ब्रिंग इन वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंसेस, यू नो, हमारी हर एक की, अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाएं तो हमारी पीजी भी अलग अलग है कहीं, यू नो, एज ग्रुप्स में और ज्योग्राफिकल लोकेशंस में भी, दैट इज समथिंग व्हिच विल आल्सो, यू नो, ब्रिंग टुगेदर अ लॉट ऑफ एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग इन द ऑडियंसेस. तो आई थिंक कहीं ना कहीं विन विन था, एंड आई कांट फील मोर ब्लेस्ड. जितने भी इंटरव्यूज चल रहे थे ना, आप सबसे शांत बैठे हैं. मलिक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और मुझे याद है मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैं दिन भर इस कैरेक्टर के बारे में सोचता रहा. एक्चुअली इससे पहले ही मैंने एक कॉप प्ले किया है, उजागर सिंह का, जो बहुत फेमस हुआ है. एक्चुअली लास्ट सीजन में तो ऑलमोस्ट 3 घंटे में 1 बिलियन लोगों ने देखा हो. इतना प्यार मिला उजागर सिंह और पूरे सीरीज को. सो मुझे था कि मुझे अभी कॉप्स के रोल नहीं करने हैं, मैं मुझे वेट करता हूँ. मैं जब सर ने पहली बार मुझे ऑफर किया, मैंने कहा सर कॉप, अरे एक्चुअली सच कहूँ तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये हग्गुल कौन प्ले कर रहा है, क्योंकि मुझे कॉप करना ही था, बिकॉज आई लव द कैरेक्टर. एंड ही सर बोले कि अपार कर रहे हैं. मैंने कहा वाह, फैंटाबुलस, क्योंकि He's such a versatile actor. Yeah. तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मुझे ये कॉप करना है. तो मैं स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, पढ़ने के बाद मैं एकदम ही होता ना, आपके होश उड़ जाते हैं, जैसे आपको ट्रेलर से रिस्पॉन्स मिल रहा है. मैं पूरा दिन स्क्रिप्ट के बारे में सोचता रहा, और फिर मैं शाम को आया वापस, तो मैंने कहा यार कॉप, मैंने कहा नहीं, ये स्क्रिप्ट बहुत कमाल है. मैंने दोबारा पढ़ी, और मैंने कहा मुझे इस कमाल की फिल्म का पार्ट बनना है. बस मेरे लिए चैलेंज ये था कि मुझे वो जो उजागर सिंह है उससे अलग दिखना था इसमें, एसीपी मलिक, बहुत बड़ा चैलेंज था. तो वो मैंने कोशिश की.
मैडम सर, यू हैव ऑलवेज बीन वेरी एक्सपेरिमेंटल विद योर रोल्स इन द पास्ट. जो भी आप करते हैं, हर एक किरदार, हर एक रोल आपका हटकर होता है. सो इस किरदार में आपके लिए कुछ चैलेंजिंग था? हाँ. I'll ask the same question to all of you. जी बिल्कुल. यू नो, जैसे इस फिल्म में हमने पहले से कहा और ट्रेलर में भी कि जो है वो दिखता नहीं है. और हमारी टीजर में एक बहुत अच्छा लाइन था कि जब खुशहाली कहती है कि झूठ जो है सच के नकाब में बाहर घूम रहा है. और यू नो, तो आपको मैंने पहले भी कहा है, इस फिल्म में मैं हग्गुल का रोल कर सकता था, ये मेरा रोल कर सकते थे, अपार हो सकता है कि पुलिस वाले का रोल. यू कुड स्विच आर कैरेक्टर्स सो इजीली. उस तरीके की कास्टिंग की गई है ताकि आपको पता ही नहीं चले कि भाई है कौन और कौन कर क्या रहा है. सो टू मेंटेन दैट सैनिटी कि यार जो आपका जो आपसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो आप हो भी पर फिर भी एक डाउट क्रिएट कर रहे हो कि शायद आप नहीं हो. So that was very challenging. That I thought is something that I have never done before, and I was very keen and enthusiastic to do that. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.